रहमतुल्लाह व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। आज थोड़ा तारीख के औरात पलट कर उन इस्लामी मुजाहिदीन को और आज के दौर के मुसलमानों को समझने की कोशिश करते हैं, और वैसे भी आज की नौजवान नस्ल को इस्लाम और मुसलमानों को उन असल लीडरों की दास्तान को समझने की जरूरत है, क्योंकि तारीख के औरात ही हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। क्या शानदार तारीख रही है मुसलमानों की। आज जिस जुल्म जबर से मुस्लिम कौम गुजर रही है, शायद ऐसा दौर इससे पहले कभी नहीं आया हो। आखिर मुसलमानों की शानदार तारीख और आज का जलील मुसलमान कितना फर्क है, इसका भी तजिया जरूरी हो जाता है। कहां आज का मुसलमान जिसे फिल्मों डीजे ऐश परस्ती से फुर्सत, और कहां वो जिनका एक एक लम्हा कैसे अल्लाह की राह में गुजरता है। जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि तुम्हें किस चीज में मजा आता है, जो जवाब उन्होंने दिया वो आज के नौजवानों को जयनशीन करने की जरूरत है। सर्द रात में मदीने की खूबसूरत लड़की से मेरा निकाह किया जाए, पहली रात हो और उसी वक्त अल्लाह की राह में इस्लामी सल्तनत की सरहद पर दुश्मन इस्लाम से लड़ने का ऐलान किया जाए। वो सर्द रात में दुश्मनों के साथ लड़ने में जो मजा आता है, सुहाग रात में नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस कुदूसी है, मुझे अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए, फिर जिंदा कर दिया जाए, फिर कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर मैं शहीद हो जाऊं। उमर मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह ने इटली से जंग करते हुए कहा कि हम जीत जाते हैं या शहीद हो जाते हैं, हम हथियार नहीं डालते। टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का तो कौल मशहूर है, गीदड़ की 7 साल जिंदगी से बेहतर है शेर के एक दिन की जिंदगी। खैर, अक्टूबर में इसी तरह एक और मुजाहिद इस्लाम को याद करना जरूरी हो जाता है, और वो है सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह। अयूबी सल्तनत के वाही सुल्तान रहे जिन्होंने जदीद हुकूमत यानी टेक्नोलॉजी तालीम पर तवज्जो दी। तकरीबन 100 से ज्यादा स्कूलों अस्पतालों को तामीर करने वाले बादशाह के तौर पर इन्हें याद किया जाता है। बच्चों को हॉस्टल कैंटीन की शुरुआत भी इसी अजीमशान बादशाह ने की थी। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर सलाउद्दीन अयूबी के बनाए तालीमी इदारों में पाए जाते थे। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की पैदाइश 1137 में मरकजी इराक के शहर टिकरित में हुई। ये वही शहर जहां सद्दाम हुसैन शेर भी आज के दौर में पैदा हुआ था। इस्लामी इनकलाब का तूफान सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने महज 100 साल के अरसे में आधी दुनिया पर इस्लामी परचम लहरा था। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया, तुर्की, यमन, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई थी। वैसे आज भी कुछ और खबरों के साथ वीडियो वो हम बनाना चाहते थे। आज वैसे भी वजीर आला सिद्धरामैया बेलगाम आए थे। आपने इस बात को भी महसूस किया होगा कि जब कोई मौजूदा दौर का सियासी लीडर आता है तो सड़कों को बंद कर दिया जाता है, हाई सिक्योरिटी दी जाती है। पर सुल्तान का दौर भी अजीब था, बादशाह अवाम में घुल मिलकर रहा करता था। और ये सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी पर बोलना इसलिए भी जरूरी था कि अभी ईद मिलाद में कुछ नौजवान डीजे पर नाच रहे थे। कैसे अल्लाह उन लोगों से दीन का काम लेता है जिनके रगो पे में कलमे शहादत रचा बसा रहता है। यकीनन आज शाहरुख खान की फिल्म जवान ने कितने करोड़ का कारोबार किया, या सलमान खान की नई फिल्म कौन सी आने वाली है, इसके बारे में ना सिर्फ नौजवान बल्कि स्कूली बच्चे भी फौरन बता देते। लेकिन जिनके हम नाम लेवा है और इनकी आशिकी का दम भरते हैं, इनकी तस्वीरें लेकर हम नाचते कूदते हैं, उनमें और हमें कितना फर्क है। हमने तकरीबन पिछले 60 साल यूं ही बर्बाद किए। एक और नस्ल तैयार है और आने वाली नस्ल जवानी की दहलीज पर है। हालात किस तरह रोजाना करवट ले रहे हैं देख रहे हैं। लिहाजा कुछ तारीख क्या हो रहा इनके सामने रख कर बोलने की जरूरत है। अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो 2050 का फ्यूचर देखने के बजाय 1400 साल पीछे जाना होगा। कामयाबी उन्हीं तारीख के औराक में जमीन के नीचे तदफीन उन मुजाहिदीन के पाक मिट्टी में है। क्या आपको मालूम है सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी हाफिज कुरान थे। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने कुरान को हिफ्ज किया था। मसलक ही इस्लाम समझने वाले नाम निहाद मौलवियों के लिए सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी मिसाल कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस वक्त भी इस तरह के अख्तलाफ थे, लेकिन कोई बताए तो सही कि उम्मत में अख्तलाफ कर अपनी झोली भरने वालों को कभी दुनिया याद नहीं किया करती, बल्कि उम्मत को जोड़ने वालों को ही याद किया जाता है। अभी आप सुनते होंगे कि जनता दरबार, जनता दर्शन, दरअसल इसकी बुनियाद भी सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने रखी। सुल्तान को तारीख का सबसे इंसाफ पसंद बादशाह कहा जाता है। इनके दरबार में हर शख्स को आने की इजाजत थी। सलाउद्दीन अयूबी ने हफ्ते में 2 बार जनता दरबार लगाने की रिवायत की शुरुआत की। उसे आज भी बहुत से मुल्कों में अमल किया जाता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं सलाउद्दीन अयूबी की इंसाफ पसंदी का यह आलम था कि यहूदी और ईसाई भी अपने फैसलों के लिए उनके दरबार में आते। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के दौर में मिस्र दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। उनकी हुकूमत में काहिरा और दमिश्क के अस्पतालों में दुनिया भर से लोग इलाज के लिए आते थे। दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट एडलार्ड ने साइंस की तालीम मिस्र और सीरिया से ही हासिल की थी। आपको ये भी जानकर शायद हैरानी हो कि सलाउद्दीन अयूबी के जरिए कायम की गई सल्तनत अयूबिया में ही आंखों के इलाज पर सबसे ज्यादा रिसर्च की गई। मोतियाबिंद का सबसे बेहतरीन इलाज मिस्र में ही खोजा गया।
सलाहुद्दीन अयूबी की सल्तनत में रहने वाले इब्न अल बतूर ने 300 से अधिक दवाओं की खोज की। उसकी लिखी किताबें अल मुगन्नी और किताब अल जामी को 17वीं सदी ईस्वी तक ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता रहा। सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र और सीरिया के पहले सुल्तान थे। इन्हें इस्लाम का खलीफा भी कहा जाता था। सलाहुद्दीन अयूबी ने ही बैतुल मुकद्दस को 2 अक्टूबर 1187 में सलीबियों को शिकस्त देकर फतेह किया था। आज मौजू बनाने की यही वजह रही। सलाहुद्दीन अयूबी ने मस्जिद अक्सा को फतह करने के लिए 16 जंगें लड़ी। वो हर जंग में एक मेहराब अपने साथ रखते थे ताकि जब बैतुल मुकद्दस फतेह हो तो उस मेहराब को अपने हाथों से मस्जिद अक्सा में लगा सके। 1187 ईस्वी में जब उन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया तो यह मेहराब अपने हाथों से ही मस्जिद अक्सा में लगाया और वहां नमाज अदा की। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबियों से लगातार 12 सालों तक जंग लड़ी। उन्होंने जंग हित्तीन में अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से सलीबियों के 63,000 लश्कर को खाक में मिला दिया था। सलाहुद्दीन अयूबी इंसाफ पसंद बादशाह थे। जब बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया तो वहां के ईसाई यहूदियों को माफ कर दिया, जैसे मेरे नबी ने कुरैश मक्का को माफ किया था। लेकिन जब दुश्मन शरारत करने पर आए और यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब मुस्लिम हाजियों के काफिले को लूटा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सरेआम इसका कत्ल कर दिया। सलाहुद्दीन अयूबी के जरिए आज़ाद करवाए गए बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों ने 750 साल हुकूमत की। लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फलस्तीन में एक यहूदी देश इसराइल का कयाम अमर में लाया और बैतुल मुकद्दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। 1967 में होने वाली अरब और इसराइल जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्जे में चला गया। लेकिन आज भी उस सरजमीन पर मुजाहिद पैदा होते हैं। शहादत है मतलूब है मकसूद है मोमिन, न माल गनीमत न किशोर की शाही। आज भी बच्चे टैंकरों के सामने पत्थर लेकर खड़े हो जाते हैं और हमारे यहाँ के बच्चों को हमने नाचना गाना सिखाया, फिर क्यों ना हम जलील होंगे। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली कौम हमेशा जिंदा रहती है। आपको यह भी याद दिलाता चलूं कि पूरी जिंदगी बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी लगे रहे, मेहराब अपने साथ लेकर चलते रहे, 16 जंगें लड़ी पर कभी हज को ना जा सके। आज जो कहा जाता है 4 हज 20 उमरा 10 उमरा और फिर कहना कि अल्लाह मुझे बार बार बुला रहा है, अल्लाह हर नौटंकी को जानता है। अल्लाह का घर किबले अव्वल को दुश्मनों के हाथ से आजाद करवाने का काम अल्लाह ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से लिया। आज तो हर चीज ऐसे लग रही है कि तफरी हो गई है। उमरा को जाने वालों की तो भीड़ उमड़ी हुई है, अब तो बगदाद का भी सफर करने वाले काफी हो चुके हैं। पर जाने से कौन मना करता है, पर जिंदगी का मकसद भी तो समझे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार मुबारक पर तो हाजिरी ठीक है, पर हमारी जिंदगियों में बजाय तब्दीली के जहां थे वहां से भी पीछे चले जाते। लिहाजा बुजुर्गों की तारीख से हमारी नस्लों को आगाह करना होगा। मिल्लत का बड़ा तबका अय्याशियों में मुलव्विस है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ही का कौल है कि अगर नस्ल को तबाह करना हो तो इनमें फहश हुरियानियत को आम कर दो। लिहाजा आज मुस्लिम समाज तबाही की कगार पर खड़ा है। समाज को कायद की जरूरत है, पर मौजूदा दौर में कहां पर भी सुल्तान जैसा कायद नजर नहीं आ रहा और आवाम की रहनुमाई बहुत मुश्किल हो चुकी है। रुपया, पैसा, दौलत, ऐश इशरत के पीछे सभी लगे हुए हैं। फिर इसमें अपने आप को दीनी रहनुमा समझने वालों को भी शरीक कर लेते हैं तो बेहतर है। दुश्मनों से टकराव नहीं चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की राह सब तक रहे हैं। कोई और सुल्तान आए पर कोई अपने घर में अपने बच्चों को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बनाना नहीं चाहता। पड़ोस के घर में या किसी और के घर में कोई सलाहुद्दीन अयूबी पैदा हो तो बेहतर है। कुर्बानी कोई और दे और हुकूमत का मौका मुझे मिल जाए, ये सोच परवान चढ़ रहे। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की यह मुख्तसर तारीख आपको कैसे लगी इस पर जरूर कमेंट करें। इतिहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।